कोरोना की महामारी ने आज दुनिया को हिला के रखा है और उसमें हमारा देश भी आज इस बीमारी को लेकर बड़ा चिंतित है। देश के अलावा उत्तराखंड राज्य में भी लगातार जो पिछले कुछ समय से जो कोरोना पीड़ित और संक्रमित लोगों के जो भी जांच हो रही है, तो अपना राज्य भी उससे बच नहीं सका। ऐसे में समय है कि हमें बहुत सी बातें भी समझ लेनी चाहिए। कुछ बातें हैं जो ये कोरोना वायरस हमको सिखा रहा है। पहली बड़ी बात तो ये है कि इस वायरस से लड़ने और जूझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में है, वो हम किस तरह से अपने को अलग रख सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बार बार आह्वान किया है, वो ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरा बड़ा कि हमें इस बात पर भी आत्मविश्वास होना चाहिए कि जिस तरह का हम लोग भोजन करते हैं, जो इस देश का अपना भोजन है, वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को अद्भुत बनाता है। तो कुछ हद तक ये भी एक बहुत बड़ा हमारे आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण विषय होगा कि हम किस तरह के भोजन से करते हैं। तीसरी बड़ी बात है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि हम अगर किन्हीं भी कारणों से हमें बाहर जाना हो, हम अपने आप को स्वच्छ रखें और ख़ास तौर से बार बार हाथ धोने की बात जो कही जा रही है, कम से कम जब आप किसी भी बाहरी क्षेत्र से आते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट होने के साथ प्रकृति को भी समझने की अगर कोशिश करेंगे, तो आने वाले समय में किसी भी कोरोना से लड़ने के लिए हम किसी भी रूप में हमेशा तैयार होंगे। और मेरा मानना तो है, अगर प्रकृति की समझ बना लें तो किसी भी कोरोना का दोबारा जन्म नहीं होगा।